हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम सामान में और घर पर हम फटाफट से बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें ना ही ज़्यादा सामान लगेगा और ना ही टाइम लगेगा। जो घर के चीज़ों से हम बनाएंगे, हरा भरा पालक की टिक्की बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए ले लिया एक गड्डी पालक को धो के ले लिया है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है, दो उबले हुए आलू, एक कटोरी मटर को उबाल कर ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च को क्रश करके ले लिया है। तो ये एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था। जैसे पानी हमारा उबल जाएगा, उसमें हम पालक को डाल लेंगे। पालक को हमें उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में 2-3 मिनट के लिए डाल के रखना है। बस पानी में जैसे उबाल आ गया, मैंने गैस को बंद कर दिया है और पालक को अच्छे से पानी में डुबो देते हैं दबा दबा के। आप देख सकते हैं इसी तरीके से बस पूरा पालक अच्छे से डूब जाए, और इससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगा और एक पालक की थोड़ी सी महक होती है ना, वो भी निकल जाएगी और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो जाता है ऐसे 2 मिनट के लिए गर्म पानी में डालने से। अगर आपके पास पालक ज़्यादा है तो आप उसको 2 बार में कर लीजिए। मेरे पास एक ही गड्ढी थी जिसको एक ही बार में हो गया आराम से। और इसको ठंडा करके अब हम डालेंगे मिक्सर जार में। ये पालक देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठंडी हो गई है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इस मटर को भी इसी के साथ डाल के दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लेंगे। और ये ले लिया एक मिक्सिंग बाउल। अब इसमें डाल लेते हैं हमने जो 2 उबले हुए आलू लिए थे, उसको डाल के मैश कर लेते हैं मैसर की सहायता से। ये देखिए, आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब जो हमने मटर और पालक का जो पेस्ट बना के रखा है ना, उसको भी इसमें डाल लेते हैं। इसमें ना हरा धनिया और हरी मिर्च जो कूट कर रखी थी, उसको भी डाल लिया है। और अब डाला है नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चुटकी हींग। दोस्तों, कम मसालों के बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनेंगी। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 नींबू का रस डालेंगे। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप थोड़ा बहुत मिर्च वगैरह और डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करा है, सिर्फ नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया और 1 चम्मच धनिया पाउडर, यही चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस पर रख दिया एक पैन। पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। और इसमें से थोड़ा सा बैटर लेके हाथ में गोल गोल घुमा के उसको थोड़ा टिक्की की शेप दे देंगे और इस तरीके से थोड़ा ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे ऊपर से। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए, आपको लगे कि ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसमें थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स भी मिक्स कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ जो हमने आलू मटर और पालक ये सब चीज़ें ली थी उसी से ही बनाया। तो इससे क्या होगा कि ये ना अंदर से थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं और बाहर से हमारे टिक्की बहुत कुरकुरी बनेंगी और अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट। अगर आप चाहते हैं और भी थोड़ा सा कुरकुरी बनाना, तो आप इसमें अरारोट मिक्स कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया था तो मीडियम गैस पे सभी टिक्की को इसमें डाल के अच्छे से पका लेते हैं। इसको बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में ही सीख जाएंगी। 2 मिनट बाद हम इनको पलट देंगे। जैसे एक साइड से थोड़ा सिक जाएंगे तो दूसरी साइड, आप चाहें तो इससे भी कम तेल डाल सकते हैं। 1 चम्मच तेल भी, अगर आप नॉन स्टिक तवे पे 1 चम्मच तेल डालकर भी बनाएंगे तो भी ये टिक्की बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, टेस्ट के साथ साथ हेल्थ तो है ही। पालक कितना फ़ायदेमंद होता है ये आपको पता ही है। और बच्चे ना हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से अगर बना के देते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर भी खाते हैं और हम इनको हरी सब्जियां भी अच्छे से खिला सकते हैं। क्योंकि इनको हमने फ्राई नहीं किया है, सिर्फ सैलो फ्राई किया है थोड़े से तेल में ही। और ये इतने से में मेरी कम से कम 10-12 टिक्की बनकर तैयार हो गई थी। दोस्तों, हम लोग ऐसी चीज़ें बहुत सारे मसालों के साथ बनाते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल कम मसालों में बनाई है और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें इस तरीके से। ये देखिए, टिक्की हमारी अच्छे से सिक गई हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी की टिक्की भी तैयार कर ली थी। ये देखिए दोस्तों, दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और जैसे दिखने में अच्छी लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में है और हेल्दी भी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।